फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है उसको आप एक्टिव रख सकते हैं। आपको सबको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे तो एक टाइम के बाद वो लॉक हो जाता है या फिर स्लीप मोड में चला जाता है। तो अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाता है कि आप उसका सेटिंग्स में कुछ चेंज भी नहीं कर सकते और आपका कंप्यूटर बार बार वो लॉक हो जा रहा है। तो ये एक सजेशन है, अगर आपका कंपनी में अगर आपका ये पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं है तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। इसमें आपका सिस्टम भी एक्टिव रहेगा, आपका अगर कोई कम्युनिकेटिंग एप्स है तो वो भी एक्टिव रहेगा, उसमें एक्टिव दिखाएगा आपको, और आपका सिस्टम भी लॉक नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्टिविटी आवर्स काउंट करने का कोई ऐप्स है आपकी सिस्टम पे तो वो भी आपका एक्टिव आएगा काउंट में, प्रोडक्टिविटी आवर्स काउंट में। तो मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ, एक बार स्टेप आप एक बार देख लीजिए। ये कर सकते हैं आप लोग, स्टार्ट में जाइए, कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए या फिर सर्च करके भी आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद ये जो सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में आप लिखिए माउस। अभी देखिए माउस का ये सेटिंग्स आ गया, ये विंडोज 7 में है, विंडोज 10 में भी ऐसा ही एक ऑप्शन आएगा चेंज माउस सेटिंग्स बोल के। इसमें बाकी बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन चेंज माउस सेटिंग का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद ये बटन्स, फर्स्ट जो ऑप्शन है बटन्स, इसमें आप रहिए, और उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है ना ये देखेंगे आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स में एक बार क्लिक ऑन क्लिक लॉक। तो इसमें क्या होता है, आपका जो कम जो आपका जो माउस है, माउस का जो आपका लेफ्ट क्लिक रहता है वो लॉक हो जाएगा अगर आप उसको एक टाइम तक उसको पकड़ के रखेंगे। तो इसको आप जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं क्लिक को होल्ड करके रखने का, और इसको ओके कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, उसके बाद इसको फिर से ओके कीजिए और इसको आप क्लोज कीजिए। अभी आपकी स्क्रीन पे कोई भी एक प्लेस में जाके आप इस आपका कंप्यूटर जो माउस है, माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखें, एक बॉक्स बनाइए ऐसे। ठीक है, और ये क्लिक को छोड़िए मत, क्लिक को पकड़ के रखिए एक 50 सेकेंड तक या फिर 40 सेकेंड तक, जैसा आप आपको उसका ड्यूरेशन रखेंगे वैसे आप इसको थोड़ा सा पकड़ के रखिए। तो उसके बाद आप अगर ये क्लिक को अगर छोड़ देंगे, जैसे कि अभी मैं ये मेरा लेफ्ट जो क्लिक है माउस का वो मैं छोड़ रहा हूँ, तो देखिए ये छोड़ दिया लेकिन ये क्लिक जो बॉक्स मैंने बनाया था वो ऐसे ही रह गया। तो ये सिलेक्ट करने का जो बॉक्स है ये मेरा एक्टिव रह गया। तो ये होने से क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो एक्टिव रह जाएगा, लॉक नहीं होगा, आपका प्रोडक्टिविटी काउंट जो है वो भी आपका काउंट में आएगा और आपका सिस्टम भी एक्टिव रहेगा। और सेम ऑप्शन है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप उसको फिर से बंद करना चाहते हैं तो फिर से एक जस्ट क्लिक कीजिए और कंट्रोल पैनल में फिर से सेटिंग्स में जाइए, जाके ये जो बॉक्स में जो आपका टिक है इसको हटा दीजिए, हटा के इसको अप्लाई कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो अभी आपका नॉर्मल जैसे आपका कंप्यूटर में माउस था वैसे हो जाएगा, आप फिर से काम कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।